जिस तरह से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो आज की ये रैली है सिर्फ और सिर्फ उन होनहार वीर जवानों के लिए है जिन्होंने अपनी शहादत दिया हमारे हिंदुस्तान के अंदर। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए पुलवामा अटैक के बाद कहीं ना कहीं ये भी तो दिखने को मिल रहा था ज़रूर कि जिस तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर एक भड़कम मच चुकी थी कि इंसाफ की मांग चाह रहे थे पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर, और एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक के बाद जैश मोहम्मद के टेरर कैंप को उड़ा दिया गया, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब मिला आज उसी सब में यहाँ के में यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये जो रैली है उसका इनकार किया जा रहा है। रैली सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रैली है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने रखी गई है जो होनहार स्टूडेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए, बाकी ऐसा जोश। हाउ इज़ द जोश? जोश की बात की जाए तो जोश सुपर था इनका, और साथ ही साथ अगर बात की जाए इन स्टूडेंट्स की तो लगातार ये यहाँ पे यही चीज़ कह रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे का एक ही नारा है, एक ही इनका इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे होनहार ऑफिसर्स जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने शहादतें दी और जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान की रक्षा की, आज उनके लिए इन्होंने ये एक रैली रखी है। रैली का इनकार किया गया है और ये जो रैली है ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए रखी गई है, उन ऑफिसर्स के लिए रखी गई है जिन ऑफिसर्स ने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने शहादत दी। सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो बच्चे हैं ये इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि इनके जो वीर जवानों ने शहादत दी और आज ऐसी शहादत दी इनके वीर जवानों ने कि जिसकी वजह से इनको लगा कि है कुछ ना कुछ तो है। ये मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या लगता है इस बार का जोश कैसा था भाई? सर जोश कैसा था? हाँ सर जोश कैसा था भाई? सर एक और एयर स्ट्राइक होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, एक और इनके ऊपर होना चाहिए, एक 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 एयर स्ट्राइक और होनी चाहिए, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जोश कैसा है भाई? है सर जोश कैसा है? जोश सर सर क्या लगता है एयर स्ट्राइक होनी चाहिए? क्यों नहीं सर, हमने जो किया उनको सही किया मोदी सरकार ने, भारत माता की, भारत माता की। लगता है पाकिस्तान के लिए कम है, इसे ज्यादा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। खीर मांगोगे तो पाकिस्तान, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीज देंगे। अच्छा लगता है आपको कि इस बार कश्मीर के की वजह से जिस तरह से ये पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करता है चीरना पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अलग 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 र्यूमर पे इंटरनेट पे फैल रहा है, अलग अलग र्यूमर पे इंटरनेट पे फैल रहा है लगातार। क्या लगता है इस र्यूमर पे जिस तरह से कश्मीर से कमेंट्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, किस हद तक उसको आप कंडम करना चाहोगे? This is the stand of war and we will win it. कब तक? कब तक किस चीज के लिए? कब तक आप इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहोगे अगर पूरी तरह से इस पे कंट्रोल ना किया गया आतंकवाद पे? जब तक इस चीज का हमको रिजल्ट नहीं मिलता तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ठीक है? और ये रैली जो है आज की ये किस चीज में मनाई जा रही है? सबसे ज्यादा मनाई जा रही है कि हम दिखा रहे हैं कि हम अपने जवानों के साथ में उनके सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जो आपने किया बिल्कुल सही किया, ओवर अटैक होने चाहिए ऐसे ही। चलिए जिस तरह से इनका कहना है कि ये जो अटैक हुआ इस बार कुलगाम में जिस तरह से DSP अमन ठाकुर ने अपनी शहादत दी है उसकी याद में, बाकी सारे जो मर्डर्स हैं जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी शहादत दी है वहीं दूसरे और उसी को लेकर चलते हुए इनकी तरफ से ये बहुत बड़ी जो रैली है उसका आगाज किया गया है यहाँ जम्मू के अंदर, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे जुड़ चुके हैं इस रैली में और लगातार बच्चों की तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि जो जोश है वो हाई है। और दूसरी ओर अगर बात की जाए इनकी तो इनके जो मार्टर्स थे उनकी याददाश्त के लिए, उनकी याद में ये दिन मनाने के लिए इनकी तरफ से एक बहुत बड़ी ये जो रैली है ये मनाई जा रही है। काफ़ी तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ चुके हैं यहाँ पर। अगर बात की